अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली मेंबर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो है वो ईद बकरीद आए और सफाई ना हो ऐसा तो कोई नहीं सकता। आवाज़ ऐसी करो। और जो है वो सफाई ना हो ऐसा तो कोई नहीं सकता। तो आज जो है वो कल से सफाई डे मन रहा है। और कल जो है वो मैंने अपना रूम पूरा साफ किया है बेइंतहा अच्छे तरीके से। आज जो है ना वो बाहर की जो है वो सफाई हो रही है। फ़ैन वगैरह जो है वो कल मैंने साफ़ कर लिए थे सारे कमरों के। और जो है वो डस्टिंग वगैरह पूरा झाड़ लिया था। हाथों में इतना शदीद वाला दर्द हुआ है कि मेरा हाथ उठ नहीं रहा है। और जो है वो फिर मैंने कहा बच्चों आप लोग भी मेरे साथ लग जाएं। तो मेरे बच्चे जो है ना आज मेरे माशाल्लाह 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 मेरे साथ लगे हुए हैं और अपनी माँ की सारी बातें मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बच्चे जो हैं वो साथ में मेरी मदद करवा रहे हैं क्योंकि मेरे हाथों में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। तो मेरे जो है आयान ने कहा मम्मा आप दीवारें साफ़ नहीं करिएगा, दीवारें हम साफ़ कर लेंगे, बाकी आप और ऊपरी जो है ना वो वैसा काम कर लें। तो मैं जो है वो अभी तकियों के गलाफ वगैरह उतार रही हूँ ताकि अभी वॉशिंग मशीन लगेगी तो उसमें जो है वो धुल जाएंगे कपड़े वगैरह। और मेरा बच्चा जो है ना इसने बोला कि मम्मा मैं हम लोग कर लेंगे दीवारों के जो है ना वो गीले कपड़े से साफ करना। वैसे तो साफ़ ही है अल्हम्दुलिल्लाह और हर थोड़े दिन के बाद करती रहती हूँ। वैसे तो ईद पर रमज़ान में मैंने सफाई की थी और अब जो है ना बकरीद आ गई है तो बकरीद पर सफाइयाँ शुरू हैं। तो इसी तरह दो तीन दिन जो है वो सफाइयों के लगेंगे और अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा घर, क्योंकि फ्रंट का घर है, मिट्टी भी बहुत आती है बेइंतहा जो है। हालांकि रोज़ डस्टिंग होती है और ऐसा लगता है कि हमने डस्टिंग की नहीं है। तो जो है हम लोग सब जो है वो कामों में लगे हुए हैं और इंशाल्लाह जो है वो फिर आपको साफ़ करके अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम आपको दिखाएंगे। ये तकिए के खिलाफ शाबाश, गुड बॉय। शानी उसको पूरा निचोड़ो, गीला गीला नजर आ रहा है फिर वो मिट्टी चिपकेगी वहां। कहा निचोड़ो उसमें, निचोड़ो और क्या नाम है उसको साफ अच्छी तरीके से करो। गीला नहीं छोड़ना और वो झाड़ू दिलेगी तो फिर गंदा होगा ना और चिपक जाएगी मिट्टी। मैं अपने रूम की जो है वो डस्टिंग वगैरह कर रही थी और सारे जाले वगैरह ऊपर से जो है ना इस ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ आराम से। जो है ना सारी मिट्टी वगैरह सब जो है ना वो इससे जो है ना झड़ जाती है और नीचे से जो है ना वो हम गीले कपड़े से करके और उससे दीवारें साफ़ कर लेते हैं तो वो बहुत अच्छा साफ़ सुथरा चमक जाता है। और मुझे ये होता है कि घर में जाले ना लगें तो वो बहुत जो है ना अच्छा नहीं समझा जाता कि घर में और डस्ट वगैरह रहे। तो इस तरह जो है ना मैं इससे जो है ना बहुत अच्छे तरीके से डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। इससे हर कोने वगैरह से जाले वगैरह सब कुछ हट जाते हैं। ये देखें आपके सामने है और जो है वो मिट्टी वगैरह सब जो है ना वो सब साफ़ हो गई थी दीवारों पर से। इसके बाद ऊपर से जाले वगैरह साफ़ करने के बाद फिर मैंने अपनी ड्रॉज़ वगैरह साइड टेबल वगैरह सब साफ़ की, एक एक चीज़ जो है वो सारी चीज़ें साफ़ करने के बाद। और ड्रेसिंग टेबल आ गया, आप देखेंगे ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी साफ़ की। उसके साफ़ करने के बाद कि फिर मैंने गीले कपड़े से जो है सारे दरवाज़े और दीवार वगैरह साफ़ की। उसके बाद जो है वो मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने को सोचा। तो चलें जी ये देखें कितना मैस हुआ हुआ है यहाँ पर। और कोई जो है वो खाली शीशियाँ भी रखी हैं, काफ़ी टाइम से मैंने निकाला नहीं है तो सब कुछ ही यहाँ पर जो है ना अवेलेबल हुआ हुआ है, खाली भी और भरा हुआ भी। तो मैंने सोचा आज जो है वो अपने ड्रेसिंग टेबल की जो है वो सफाई करते हैं तो आपको जो है वो थोड़ी देर के बाद मैं दिखाऊंगी। ये सब जो है ना मेरे कॉस्मेटिक्स वगैरह की चीज़ें, सब बैग्स वगैरह रखे हुए हैं, ये फेशियल किट वगैरह और ये ब्रशेस और सारे जो है वो खाली शी भी हैं, इसमें सीरम्स वगैरह वो सब खाली भी हुए हुए हैं और कुछ ग्लॉसेस और पेंसिल्स वगैरह भी हैं जो फेंकने की हैं और जो यूज़ नहीं होती या फिर जो चूड़ियाँ जो काली हो चुकी हैं या ज्वेलरी वगैरह जो ऐसे ही पड़ा हुआ है या परफ्यूम की बॉटल्स वगैरह जो खाली हो चुकी हैं। तो ये देखें ये भी ऐसी बिला वजह का रखा हुआ है इन लोगों ने, बच्चों ने,
सब कुछ जो है ना यूज़ करते हैं और यहीं रख देते हैं, खाली हो जाती है। तो मैं कहती हूँ भाई खाली हो जाया करो तो फेंक दिया करो, लेकिन नहीं। तो आज जो है ये मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की सफाई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ चमचमाता हुआ। अल्लाह ये देखें, ऐसे लग रहा है कभी मैंने कभी सफाई नहीं की। इसमें सब जो है ना वो मेरी ज्वेलरीज वगैरह रखी हुई है, तो इसको मैंने साफ़ किया और ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितनी पुरानी, कब से जमा की हुई है। जबकि मैं हर वक्त जो है ना वो मैं निकालती रहती हूँ, और रमज़ान में मैंने सफाई करी है और ऐसी मिट्टी भरी हुई है जैसे मैंने कभी जो है ना सफाई नहीं की। जबकि मेरा कमरा बिल्कुल बंद रहता है और सफाई करके मैं सब कुछ बंद रख देती हूँ ताकि जो है कोई डस्ट ना आए, और उसमें ऐसी भरी हुई है जैसे कभी ज़िंदगी में मैंने सफाई की ही नहीं है। और यहाँ जो है वो लाइट भी चली गई है, तो वो अंधेरे में जो है मैंने कब काम शुरू किया है, तो फटाफट जो है इसको मिटो। और ये भी इसकी भी बारी आती है, पहले इस ज्वेलरी बॉक्स की बारी कर लें, फिर उसके बाद यहाँ से भी सबको सामान हटाते हैं जी। अब इसकी बारी आती है, इसमें पेंसिल्स और नेल कलर और पत्नी कैचर और ये लिप ग्लॉसेस ये सब भरा हुआ है, और इसको भी जो है ना वो खाली करते हैं, जो ख़राब हो चुकी हैं और जो सूख चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, उन सब को जो है ना वो फेंकते हैं। ओए ओए, पता है क्या होता है जब हम मेकअप करने के लिए चीज़ें, जब तो नज़र आता नहीं है वैसे इतना इतना नज़र आता है, और फिर जब मैं ढूंढती रहती हूँ मुझे ये चीज़ नहीं मिल रही, ये चीज़ नहीं मिल रही, तो इनसे भी छटाई करते हैं और इनको भी जो है ना फारिग करके और तरीके से इसके अंदर रखते हैं, मेन मेन चीज़ें बस। तो जी ये है फाइनल लुक, और सब कुछ जो है ना यहाँ से मैंने छटाइयाँ कर दी हैं, सब ख़राब चीज़ें जो खाली हो चुकी थी और जो एक्सपायर हो चुकी थी, जो ख़त्म हो चुकी थी, वो सब मैंने जो है ना यहाँ से सब जो है ना ओवरऑल सारी चीज़ें हटा दी हैं। बस जो है वो काम की चीज़ें रखी हुई हैं, और बाकी ये देखें ये सारा सामान निकला है, और बाकी ये बैग रखा हुआ है, ये जो है ना इसमें मेरे मेकअप का सामान है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो ये मैं लेकर आऊँगी अपना मेकअप बॉक्स, तो उसमें इसमें सेट करूँगी। बाकी अभी जो है ना सेफ इसी में ही है, तो मुझे जो है ना इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी लिपस्टिक्स और ग्लॉसेस वगैरह और सन ब्लॉक और मिस्ट और परफ्यूम्स और हेयर ब्रशेस और ये सब चीज़ें जो है वो डेली सीरम्स वगैरह ये सब चीज़ें ऑयल ये सब चीज़ें मैंने यहाँ रख दी। बाकी ये है फाइनल लुक आपके सामने, और आई होप आपको जो है वो अच्छा अच्छा लग रहा होगा, और फिर इंशाल्लाह जो है किसी और चीज़। ये है मेरे रूम का फाइनल लुक, साफ़ सुथरा कर दिया, डस्ट वगैरह भी कर दी और दीवारें वगैरह भी साफ़ कर दी और बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी, नीचे से बिल्कुल साफ़ नीट एंड क्लीन, ड्रेसिंग टेबल भी बिल्कुल साफ़ है, और सब कुछ जो है वो साफ़ सुथरा कर दिया था अच्छे तरीके से। जो है वो रूम अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से चमक रहा था, और जो है वो मैं ज़्यादा चीज़ें इसमें रखती नहीं हूँ, सिंपल सिंपल सा रहता है। तो ये फाइनल लुक था, और मुझे जो है वो बहुत सिंपल सी चीज़ें पसंद है, तो मैंने साइड टेबल्स वगैरह पे कुछ भी नहीं रखा हुआ, बस इस तरह जो था वो बहुत अच्छा लग रहा था। इसके बाद हमें पता चला कि भाई हमारी गाय आ रही है, और हम भागे भागे नीचे गए देखने के लिए, तो आप लोग भी जो है वो देखें, और माशाल्लाह कहते हैं अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल करे। जा नहीं मैं बना लूंगी, अयान की गाय आ गई भाई, अयान की गाय आ गई। रोटी करके बंबू रखी इधर इधर बंबू पे बंबू पे ब।
बच्चे माशाल्लाह से बहुत खुश थे, इतना खुश हो रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जो है भाई, ये जो बकरा ईद होती है ये लड़कों की ईद होती है, बच्चों की ईद होती है, और ऊपर से जो है वो वेकेशंस हों तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे और इतना खुश थे, हर रोज़ बाबा से पूछते थे, बाबा हमारी गाय आई नहीं आएगी, बाबा बकरा लाएंगे नहीं लाएंगे। तो बस वो अचानक से एकदम से जो है वो हुआ और इनके बाबा जो है वो काऊ लेकर आ गए और बस कह रहे थे कि बस एक डेढ़ घंटे में सौदा हुआ और फटाफट ले आया। तो भाई ये तो नसीब के वाकई जो है वो सौदे होते हैं और अल्लाह पाक को इसी तरह ही जो है वो करवाना होता है। तो जब ही बड़ा खुश हुए, मेरे बच्चे बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह पाक कुर्बानी कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। बोला कि रात को जाएंगे मंडी उमर भाई के साथ लेने, तो उसमें गरम चल लो, तुम अभी ले आए गरम, तो बहुत देर में गरम हुए चलते हो हमारे समझ में आने लेते खुश हो गए अब है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक कबूल करे भाई। भाई वो मार बाड़ ना दे और क्या गया बेचारा, उधर करके मान दो ना, लात पर दे मुझे लगा ना हाथ नहीं लगाने देगी, अरे टूट गए बेचारी, इतनी भूखी हुई होती हैं। देखिए उतरने के बाद फौरन जो है वो मेरे बच्चों ने खाना खिलाना शुरू किया और वो इतने मज़े से इतने शौक से खाना खा रही है और काफ़ी देर तक जो है वो खाना खाती रही। क्योंकि जो है ये बेचने वाले सारा सारा दिन बेचारों को भूखा रखते हैं और वो आते ही इतना माशाल्लाह माशाल्लाह से उसने खाना खाया और जो है हमने कहा कि नहीं भाई खूब खिलाओ, जितना हो तुम ना इनको खिलाते रहना, तो वो माशाल्लाह से सारा दिन जो है बच्चे खिलाते रहे। पूरी मंडी बन गई भाई माशाल्लाह, सारे जानवर आए हुए यहाँ पे, ये सारे किस किस की आई हैं, है किस किस की हैं, ये ना वहाँ से, ये इतनी सारी हो गई माशाल्लाह, ये तो ये रात ही रात में इतनी सारी आ गई, ये मारती है नहीं अभी तो कुछ नहीं कह रही, आन भाई की है। कौन सी वाली है ना, ये वाली है ना आन भाई की, प्यारी भाई की, ये पता नहीं किसकी है, ये अतीब भाई है, अतीब अंकल, हाँ कौन सी वाली आपकी, ओ ब्राउन वाली माशाल्लाह, शायान अयान रयान की काऊ आ चुकी, ये तो पूरी मंडी बन गई। नहीं बेटा मुझे दो ही दांत, दो ही दांत होंगे ना, हमारी गाड़ी में चार आना खिलाते नहीं है, सही बात है। आना भूखे है और क्या, हाँ वो देखो बकरा खा रहा है खाने दो सबको खाने दो, ये लड़ रहा है मुझसे,
इस दफ़ा जब काव आई तो मुझे अपने पिछले दफ़ा की काव याद आ गई, वो भी इसी तरह ब्राउन थी। लेकिन पिछले साल जो थे वो मेरे अबू मौजूद थे बकरीद पर, तो वो लेकर खड़े हुए थे और जो है वो टहला रहे थे, वो इतना खुश होते थे, तो बस यादें ही रह गई हैं। देखें मेरे अबू के साथ जो है ये एक पिक्चर है काव के साथ। उसके बाद जो है भाई वो रात में जो है ना इसी तरह रोज़ जो है वो लूडो वगैरह खेला जाता है, बच्चे खेलते हैं बड़े खेलते हैं और फिर बच्चे खेल रहे होते हैं, उसके बाद लेडीज़ का जो है वो एक आज लग जाता है वो खेल रही होती हैं, उसके बाद जो है वो आदमी वगैरह जब बैठते हैं तो वो खेलना शुरू हो जाते हैं। तो भाई ये रात को जो है वो खूब रौनक लगी रहती है माशाल्लाह से। ये बस एक दो दिन ही रह गए हैं और फिर ये रौनकें ख़त्म हो जाएंगी, फिर सन्नाटे हो जाएंगे। तो ये बड़ी ईद की बड़ी रौनक है माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक सब की कुर्बानियों को कबूल करे। बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आया। इस दफ़ा जो है वो हमारे घर के सामने इतनी अच्छी खासी जो है ना वो बड़ी सी जगह पर उन लोगों ने टेंट लगा के, और बहुत जो है ना काउज वग़ैरह खड़ी रहीं, और जो है वो चाय वगैरह का बरसीन हुआ कि भाई चाय पी जाती है। तो रात को तो सब बैठकर कभी चाय पराठा, कभी आइसक्रीम, कभी कुछ कुछ इस तरह कुछ ना कुछ जो चलता है। कचरा वाला ही ले जाएगा, देखो पीछे नहीं होना। दूसरे दिन ये बैच गई है कब? अरे वाह, ये तो नहीं लाना बिल्कुल भी। अच्छा अच्छा नहीं। हेलो गाइस, हेलो एनडी के ब्लॉग को लाइक सब्सक्राइब कर दें। हेलो ओ छोड़ तो। हेलो भाई आपकी नेट लग गई मेरी चॉकलेट। लूडो देखा, लूडो देखा, लूडो देखा, घर पे लूडो खेल। चार बताया बैठो ना, बैठो कोई बैठ जाए। उसकी व्हाइट वाली की मूवी बना लेना, व्हाइट लग रही है ज्यादा प्यारी है। मुन्ना क्या नाम है आपका? इजियान। इजियान इजियान ट्राई करो। हाय 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 बोलो। काव आ गई, काव आपकी काव कहाँ है? काव कहाँ है? काव कहाँ है? काव कहाँ है आपकी कहाँ है? ये रहे चीज नहीं लाई जा रहा। पूछी पूछी ला रही हूँ, जाओ लेकर आओ ना। तो आई होप आपने जो है आज का व्लॉग इंजॉय किया होगा। अगर इंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही जो है वो अच्छी अच्छी वीडियोस आपको जो है वो देखने को मिलती रहेंगी आगे भी। आप लोग प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और बस ये तो मौका ऐसे ही है ईद बकरीद का, तो इसमें गाय वगैरह बकरे ये चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। तो आजकल जो है व्लॉग में यही आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा, क्योंकि मैं भी बहुत शौकीन हूँ इन चीज़ों की और बच्चे तो हैं ही मेरे। तो ये जो है वो सिलसिला थोड़े दिन का है, बस एक दो दिन की बात है, इसका चलता रहेगा। फिर इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ जो है वो मिलती हूँ। और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको इसी तरह जो है वो मिलती रहें। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।